हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाऊँ KTM Duke 390 का एक फुल डिटेल में वॉक अराउंड रिव्यू। तो जानेंगे क्या है क्या नहीं, हर एक चीज़ स्पेक्स एंड फीचर्स, हर एक चीज़ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में स्टार्ट करते थे, यहाँ पे फुल एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप दिया हुआ है। इंडिकेटर्स जो है वो भी एलईडी में दिए हुए हैं, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। एक मिनट, जब स्टार्ट करते तो इसके ये साइड में ये जो है एलईडी में DRLs दिए है, ये जो है ऑन हो जाती है, और ऐसे जो है इसके हेडलैम्प्स के थ्रो दिए हुए। कैसे कुछ इसके एलईडी हेडलैम्प्स दिखते हैं, इंडिकेटर्स जो कि एलईडी में दिए गए ये आप देख सकते हैं। टायर की बात कर ले तो इसमें जो है ड्यूअल चैनल ABS मिलता है, और ये जो है फ्रंट में ब्लैक कलर में इसका अलॉय व्हील में टायर दिया गया है। इसके फ्रंट के जो ये मडगार्ड है ये पियानो ब्लैक फिनिश में दी गई है, और पीछे में मैट फिनिश में दी गई है। तो फ्रंट के टायर की प्रोफाइल की बात करें तो 1110/70/17 टायर इसकी प्रोफाइल है। 431.8 mm इसकी व्हील साइज है, और 1357 mm इसकी व्हील बेस दी हुई है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले तो ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे 185 mm का है। इसमें साइड स्टैंड ही मिलता है, कोई मेन स्टैंड नहीं मिलता है। बाइब्रा के कैलिपर्स और ये डिस्क दिए हुए हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिए हुए। WPC ओपन कैटेट 43 mm के ट्रैवल वाले इसके सस्पेंशन है, यहाँ पे सस्पेंशन पे रिफ्लेक्टर्स के माउंट दिए हुए, और ये ब्रांडिंग दी हुई है सस्पेंशन की WP। तो ये आप देख सकते हैं। इसका जो ये रेडिएटर ये कर्व में दिया हुआ है, तो जो ये थोड़ा एरोडायनामिक्स ये रिप्रेजेंट करते हैं, और जो है एयर बराबर सक्स करते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे KTM की बेजिंग, यहाँ पे ड्यूक 390 लिखा हुआ है। ये जो है स्पोर्ट्स नेकेड बाइक के कैटेगरी में फॉल होती है। यहाँ पे ड्यूक 390 की बेजिंग ऑरेंज और वाइट कलर में अभी मेरे पास अवेलेबल है, इसमें ग्रे कलर भी आता है। हैंडल बार पे जो है नक्कल गार्ड्स दिए हुए, अगर नक्कल गार्ड्स पे इंडिकेटर दे दिए जाते तो भी अच्छा रहता, तो ठीक है जो है वो भी अच्छा है। तो इसके नक्कल गार्ड्स जो कि ऑरेंज इंसर्ट में दिए हुए, ये आप देख सकते हो। ऐसा कुछ है, यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट लगेगी। यहाँ पे आ जाते हैं तो इसके वाइट और ये ब्लैक ट्रीटमेंट में इसकी फ्रेम दी गई है, तो ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे इसके इंजन की बात कर ले तो 373.2 cc के डिस्प्लेसमेंट वाला इंजन है, जो कि सिंगल सिलेंडर 4 valve लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी वाला है, जो कि 43.5 PS की पावर 9000 RPM पे जनरेट करते हैं, और 37 Nm का टॉर्क 7000 RPM पे जनरेट करके दे देते हैं। यहाँ पे रेसिंग KTM की बेजिंग, यहाँ पे इसके इंजन काउल और यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ है, यहाँ पे पीछे में इसके WP के मोनोशॉक एब्जॉर्बर दिए हुए, सस्पेंशन ये जो है वाइट इंसर्ट में दिए हुए, और चेन जो है नीचे से भी ओपन है, ऊपर से थोड़ी कवरिंग दी गई है, पर इससे थोड़ा तो मेंटेनेंस कॉस्ट आपका बढ़ेगा ही। 6 speed का मैनुअल गियर बॉक्स है। यहाँ पे इसके फुटपैक्स की क्वालिटी बेस्ट है, और ये ऐसे फोल्ड हो जाते तो कभी ये बाइक गिरती है तो टूटेगी नहीं। और इसकी रबरिंग फिनिश जो KTM और यूज़ की है ये काफ़ी अच्छी है, ये पिलियन के लिए आप देख सकते हैं। एल्यूमिनियम फिनिश अच्छा है, ये रबरी फिनिश काफ़ी अच्छी रहती है, पैर को ग्रिप बराबर दे देती है। और जो यहाँ पे भी KTM लिखा हुआ है, और इसकी ग्रिप रिल जो है ब्लैक कलर में दी गई है, तो ये पकड़ने में काफ़ी अच्छी है। और सीटिंग की बात कर ले तो राइडर की सीटिंग की कुशनिंग भी बेस्ट है, और पिलियन की भी बेस्ट है, पर ये पिलियन राइडर से थोड़ा ऊपर बैठता है। 830 इसकी फुल गाड़ी की सैडल हाइट दी हुई है। तो ऐसा कुछ स्विंग आर्म इसका जो है ये ग्रे कलर में दिया हुआ है, तो ये अच्छा है। यहाँ पे सारी गार्ड मिल जाते, कोई लेडी फुटरेस नहीं मिलता है, पर उसकी यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि कोई भी लेडी ऐसे मतलब नहीं बैठने वाली है, तो ये चीज़ एक अच्छी है। पीछे में यहाँ पे इसको हगर दिया हुआ है, यहाँ पे KTM की बैजिंग, और यहाँ पे इसका इंजन हेड दिया हुआ है, ये लेग गार्ड, रेसिंग KTM की बैजिंग, इसके ब्रेक के पैड्स, इसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है जैसा मैंने कहा था आप लोगों को। यहाँ पे भी ड्यूक 390 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी KTM की बेजिंग, और वाइट और जो ब्लैक फ्रेम यूज़ की है ये काफ़ी अच्छी है। सीटिंग जो है ये टैंक तक आ जाती है, तो टैंक पे आपके पैर फुल स्टिक रहेंगे। 13.5 liter के यहाँ पे फ्यूल टैंक मिलते हैं, यहाँ से आप पेट्रोल भरवाएंगे। और यहाँ पे जो है इसका एग्जॉस्ट नोट,
एग्जॉस्ट नोट जो है सिल्वर फिनिश में दिया हुआ है और ब्लैक ट्रीटमेंट में, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसकी प्लेट और पीछे से जो है कुछ गाड़ी ऐसी लगती है, ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पीछे में इसके एलईडी में ये टेल लैम्प दी हुई है, तो ये आप देख सकते हो। और इसका टर्न इंडिकेटर्स ये भी एलईडी में दिए हुए, तो ये जो है काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे आ जाते हैं तो ऐसे गुड ड्यूक 390 की मिलती है। और इसके मिरर्स की बात कर ले तो मिरर्स का व्यू एंगल भी काफ़ी अच्छा है। स्लिपरी क्लच मिलता है यहाँ पे, क्लच और ब्रेक में दोनों पे यहाँ पे लेवरल्स मिल जाते हैं। अगर आपके हाथ छोटे तो आप ये लेवल कर सकते हैं, तो दोनों साइड दिए हुए, तो ये एक चीज़ काफ़ी अच्छी है। और जो इसका फुल है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, तो ये ऑन करके देख लेते हैं। तो ऐसे कुछ ऑन होता है, रेडी टू रेस की बैजिंग आती है यहाँ पे, माल फंक्शन की लाइट, ABS की लाइट, यहाँ पे वार्निंग की लाइट, यहाँ पे किल स्विच अभी बंद दिखा रहा है, ये RPM मीटर, इसका स्पीडोमीटर, ABS, और यहाँ पे कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, ट्रिप वन ट्रिप टू, ये आज की मतलब डेट, बैटरी की वेल फुल रेंज और टाइम दिखा देता है। और ये जो फ़ोन से भी कनेक्ट होता है, ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिप वन, तो ये आप देख सकते हैं KTM माई राइड, ट्रिप्स डेटा, मोटरसाइकिल सेटिंग, तो ऐसा यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ब्लूटूथ डिस्प्ले थीम, ये देखिए अभी ब्लैक हो गई, और ये जो है अभी वाइट हो गई, तो ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो काफ़ी सारे फीचर्स है, अगर एक एक बताने बैठा तो बहुत टाइम हो जाएगा। अभी देखो वाइट हो गई, पहले ब्लैक थीम थी, तो ऐसा कुछ है। यहाँ पे ये पास स्विच का बटन, यहाँ पे पास स्विच, हाई बीम, लो बीम, सब यहाँ से ही मिलता है। यहाँ पे इंडिकेटर्स, हॉर्न, तो लाउड में हॉर्न बजता है। यहाँ पे किल स्विच का बटन और शेल्फ का बटन। और ये एक चीज़ अच्छी है कि इसके जो सिंबल्स है, मतलब जो आपके बटन्स के बाजू में, उसमें भी लाइट्स मिल जाती है हर एक KTM या डुक की बाइक में, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, नाइट में काफ़ी प्यारा दिखता है ये। इसको बंद कर देते, तो गाड़ी से रिलेटेड तो मैंने पूरी जानकारी दे दी। और अगर फिर भी कुछ रह गया तो आप कमेंट्स में बताएं ऐसे कौन सी गाड़ी का रिव्यूज़ देखना है। मैं आए दिन अपने चैनल पे लाते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे मार्क कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते कल आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड राइड सेफ़।